हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप हैं मेरे साथ एनजी स्टडी स्टूडियो चैनल पर। दोस्तों, अब बात करेंगे हम इनके बारे में कि ये साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा की बात करें हम कोसेक थीटा की बात करें कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से आपका कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec थीटा, ठीक है। और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा हो जाता है, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें tan थीटा इक्वल टू एक ये भी होता है sin θ/cos θ, ठीक है। और cot θ इक्वल टू होता है cos θ/sin θ, ठीक है। यानी कि जो अगर हमें ये पूछता है कि कॉट में वैल्यू बतानी है तो कॉट वाला लेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू 1/cot θ। अगर हमसे ये कहता है कि साइन कॉस में वैल्यू बताओ, है ना, तो हम प्रूफ जो करेंगे टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों का जो यूज है, इनका जो मोस्टली यूज होता है वो आपका प्रूफ वाले क्वेश्चन में होता है। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनमें मोस्टली हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी सर्व समीकरण। सर्व समीकरण आइडेंटिटी होती हैं। आइडेंटिटी जो होती हैं इसकी तीन होती हैं, ठीक है। एक होती है, सबसे पहली जो होती है वो है sin²θ + cos²θ = 1, यानी कि दोनों कोण साइन और कॉस के दोनों के स्क्वायर होंगे और दोनों कोण एक जैसे होंगे तो उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसकी अगर कॉस स्क्वायर को इधर उठा के ले जाएंगे तो sin²θ = आ जाएगा आपका 1 - cos²θ, ठीक है। और अगर cos²θ की वैल्यू निकालेंगे हम तो आपका आ जाएगा 1 - sin²θ, ठीक है। जिसको इच्छा हो उसको आप लेके आ सकते हो कि जिसकी भी वैल्यू पूछेगा हम निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। कोई भी चीज़ लेफ्ट टू राइट जाती है, हमने बताया था, पहले भी बता चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट जाती है तो साइन बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम sin²θ और cos²θ का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं पहली सर्वसमका से। अब बात करते हैं दूसरी सर्वसमका है 1+tan²θ = sec²θ, ठीक है। तो यहाँ से हम tan²θ का भी मान निकाल सकते हैं और 1 का भी। तो देखो sec²θ - tan²θ अगर आपका होता है तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इसको इसके पास लाएंगे तो 1 ही तो बचेगा इधर, तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से हम sec²θ - 1 कर देते हैं तो tan²θ, ठीक है। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में ये आता है कि sec²θ - tan²θ तो उसकी जगह हम 1 रख देंगे। अगर कहीं ये आपको ये दिखाई देता है कि sec²θ - 1 तो उसकी जगह tan²θ रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अब तीसरी पे आ जाइए। तीसरी सर्वसमका है 1+cot²θ = cosec²θ, ठीक है। इसको भी ऐसे करेंगे cosec²θ - cot²θ = 1, इसको इधर लाएंगे तो 1 ही तो बचेगा इधर। और इसी तरीके से cosec²θ - 1 = cot²θ, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वसमका और इनके रेसिप्रोकल जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनके जो है रेसिप्रोकल जो हैं और इनकी आइडेंटिटी जो है उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। तो यही मोस्टली हमारे यूज होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, यानी लंब बटे कण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, इसी तरीके से अब कॉट कोसेक, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोसेक साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, तो ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरीके से ये सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा कॉट थीटा ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार आपका ए लंब हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, ये हमारा जो याद होता है वो लाल बटे कका से याद हो जाएगा इजीली। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए होता है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे पी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है आपका साइन थीटा, ये आपको होता है साइन थीटा। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपका होता है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो आपके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा कॉट आपका, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोसेक, इनके उल्टे है ना। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनको याद करने का तरीका कि किस तरीके से हमको याद करना है। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा, इस चीज़ के बारे में भी जो है आपको बात को ध्यान रखना है। जैसे एक नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट है आपका कि न्यून कोण समकोण त्रिभुज में, सॉरी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल में न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण जो बनता है, न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो ये अगर बात कर रहे हैं हम कोण सी की, तो कोण सी के लिए जो होगा ये लंब हो जाएगा, कोण सी के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अगर इसके लिए कोण सी के लिए अगर बात करें, कोण सी के लिए अगर बात करें एंगल सी कोण सी के लिए अगर बात करते हैं हम, तो ए बी जो हो जाएगा वो आधार हो जाए, वो ए बी जो है वो लंब हो जाएगा आपका, और
एसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार, ठीक है। अगर एंगल बी की बात करें, बी के लिए अगर कोण बी के लिए बात करेंगे तो इसके बी के सामने का ये जो है ये हो जाएगा लंब, यानी कि एसी जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा और ए बी जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये जाना कि न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। न्यून कोण समकोण त्रिभुज में दो ही न्यून कोण होंगे, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों के सामने की अगर इसके कोण सी की बात करते हैं तो कोण सी के लिए ये आधार हो जाएगा, ये कोण सी के लिए सॉरी कोण सी के लिए लंब हो जाएगा और वो आधार हो जाएगा। अगर कोण बी के लिए बात करें तो कोण बी के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि 90 डिग्री कोण के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हमें ये पता है कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उनको जो है सॉल्व करना है हमको, ठीक है। और हमने इनके फॉर्मूले जो भी हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, वो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस को हल करना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। I don't wanna feel you tonight.